आज हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बहुत सारा जगह में हम लोग सुनते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होते हैं, ये चेकिंग करने में क्या फायदा है, ये नहीं करेगा तो उसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए ये वीडियो हम लोग बनाते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग थोड़ा कुछ आप लोगों को जानकारी देगा। ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, ये पहले आप लोगों को बोलेगा, इसके बाद में इसका एक एक बात डिस्कशन तो कर देगा। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अचीव्ड इन 28 डेज in which below 5% of the tested result will be expected to fall, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका मतलब है एक हम लोग जो कंक्रीट जो बना है, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी कंक्रीट के बारे में बात करेगा तो एक कंक्रीट बना है उसका सैंपल हम लोग एक ले लिया है, तो कोई भी तरीके से अभी 15-15 का क्यूब बने तो भी तरीके से क्यूब कोई भी सर, फॉर एग्जांपल हम लोग 15-15 का क्यूब के बारे में बोलते हैं, वो बनाने के बाद में हम लोग एक ट्यूब मोल्ड के हिसाब में बनाएगा, इसके बाद में 20 दिन पानी में डूब के रहेगा, इसके बाद में 7 दिन में 3 सैंपल निकाल के एक टेस्ट कर देगा, बाद में 20 दिन के बाद में एक सैंपल निकाल के टेस्ट कर देगा। सबसे हम लोग मतलब मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो मिलेगा 28 दिन का, 28 दिन के बाद में उसका स्ट्रेंथ कितना है, डिसीजन में क्या है। अभी हम लोग एम थे क्या कॉम्प बनाए, 28 दिन के बाद में चेकिंग किया, रिजल्ट जो आया है 31 आया, मतलब वो सही कॉन्क्रीट थे, अब सही तरीके से वो कॉन्क्रीट को बनाया, इसका मिक्सिंग भी सही है। सेम होते हैं ब्रिक के बारे में, ब्लॉक के बारे में, सबका बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आएगा। अभी सोचिए एग्जाम्पल एक M30 कॉन्क्रीट उसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा 30, 20 दिन के बाद में टेस्टिंग करने के समय में 30 मिला, मतलब वो कॉन्क्रीट तो सही तरीका है, मतलब दूसरे 25 का नीचे है, नहीं तो दूसरा रीडिंग जो आएगा 24 ऐसा और हिसाब से तो फेल है, मतलब आप जो कॉन्क्रीट डाला है वो सही नहीं है, उसको सही तरीके का स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है सोच रहे हैं। इस ए कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके बारे में आप लोगों को जानकारी तो दे दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हम दूसरे एक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी, आप लोगों को कोई कुछ सवाल है तो हम लोगों को मैसेज मार के भेजिए, इसका रिप्लाई हम लोग आपको जरूर।